अस्सलाम वालेकुम, ए न्यूज के साथ मैं हूँ सदफ खान। मुलाहिज़ा कीजिए हेडलाइंस। आज आ रहा है नया बजट। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अपने पांचवें बजट में तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफा करेगी। लोड शेडिंग से निजात के लिए 385 अरब रुपए खर्च किए जाने की तजवीज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 350 पॉइंट्स की कमी के बाद इस वक्त 52,519 की सतह पर मौजूद है। रमजान उल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में पहला रोजा कल है। आइंदा 3 रोज के दौरान शदीद गर्मी पड़ेगी। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सूरज सर चढ़कर बोलेगा। ना है दुआओं का महीना, नेक राहों का महीना, उम्मते मुस्लिमा पर रहमतों का। मुल्की तारीख में पहली बार देखिए इफ्तार ट्रांसमिशन दुनिया के 12 ममालिक और 30 शहरों से। एटीवी और ए प्लस ला रहा है नाज़रीन के लिए इत्तेहाद रमजान ट्रांसमिशन। मेजबान होंगी शाइस्ता वाहिदी और नूरुल हसन। बरतानवी वजीर आजम थ्रीसा मे और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल G7 इजलास में शिरकत के लिए इटली के शहर सिसली पहुँच गए। फिलिपाइन के शहर मरावी में हालात बदस्तूर कशीदा। शहरियों की बड़ी तादाद इलाके से नकल मकानी कर गई। फौज और दाइश के जंगजुओं के दरमियान झड़पें जारी। और मुमताज मौसीकार वजाहत अतरे हरकत कल्ब बंद होने से लाहौर में इंतकाल कर गए।